बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की सबसे बड़ी सौगात तो सूजी का हलवा है, तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 कप दूध लिया है, 1 कप सूजी ली है, 1 कप चीनी ली है। इन तीनों की तादाद बराबर लेनी है, क्योंकि मैं दूध के साथ 2 कप पानी लूँगी जब मैं 1 कप सूजी का हलवा बना रही हूँ। थोड़े से पिस्ता लिए हैं, थोड़ा सा कटा हुआ नारियल लिया है, थोड़ी सी किशमिश ली है, थोड़े से बादाम। इनकी तादाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं और मर्ज़ी के हिसाब से। 3 से 4 इलायची ली है, फूड कलर लिया है थोड़ा सा, कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने रेड फूड कलर लिया है। 1 कप मैंने बटर लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। बटर या घी की क्वांटिटी भी आप सूजी और चीनी के मुताबिक करेंगे। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। मैंने इसकी क्वांटिटी सूजी के हिसाब से बताई है, चीनी की क्वांटिटी भी 1 कप सूजी के हिसाब से बताई है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। फ्लेम ऑन करके मैंने बटर डाल दिया है पैन में। अब इसके अंदर डालेंगे इलायची, और अब बटर हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे सूजी और इसको भूनेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे, वरना ये जल जाएगी फ्लेम अगर हाई हुई तो। जब सूजी का थोड़ा सा कलर चेंज होगा और इसकी खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है। चम्मच हिलाते रहेंगे साथ साथ। तो भूनते रहेंगे तकरीबन 3-4 से 5 मिनट इसको लगेंगे इसका कलर चेंज होते हुए। सूजी हमारी भून चुकी है अच्छे तरीके से और इसने खुशबू भी देना शुरू कर दिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी, थोड़ा सा मिक्स करूंगी और साथ ही दूध और 2 कप पानी जो था वो डालूंगी। इस हलवे का अलग से शीरा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलता है ना हलवा, पूड़ी वाला हलवा, ये वैसा है। दूध जो मैंने लिया था उसमें मैंने फूड कलर मिक्स कर दिया है। पानी, दो कप पानी और 1 कप दूध। अब दूध स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको हल्के हल्के हिलाते रहेंगे, इसको गाढ़ा होने देंगे। हल्के हाथ से हिलाते रहें। थोड़ी सी मैंने फ्लेम हाई की है अभी,
चीनी मिक्स हो जाएगी, उसके बाद ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। जो बाज़ार में मिलता है वो दूध नहीं डालते, वो पानी डालते हैं, पर जब हम घर घर में बनाते हैं तो थोड़ा सा जायका चेंज करने के लिए हम दूध डाल देते हैं, क्योंकि दूध से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है उसमें। इसको गाढ़ा होने तक हिलाते रहेंगे ऐसे। देखें हलवा हमारा गाढ़ा हो चुका है और ऑयल भी इसने छोड़ दिया, ये देखें साइडों से जो हमने बटर इसके अंदर डाला था वो सारा भून के ऊपर आ गया। अब ऐसे हल्के हल्के इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे, साथ ही जो किशमिश थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, जो खोपरा था वो डाल दूंगी, थोड़े से पिस्ते डालूंगी, थोड़े से गार्निश के लिए छोड़ूंगी, थोड़े से बादाम डालूंगी, थोड़े से गार्निश के लिए छोड़ूंगी, उसको मिक्स करूंगी। ये देखें कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। बस 1 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। इसको टाइम लगते ही नहीं है, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, मुझे भी 10 मिनट लगे हैं, और अब आप अगर घर में ट्राई करेंगे तो आपको भी 10 मिनट लगेंगे। ये देखें कितना अच्छा बना है, कलर देखें जैसे बाज़ार में मिलती है ना हलवा पूड़ी, वैसे ही कलर है। को बहुत मज़ा आएगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार सा सूजी का हलवा रेडी है, ये बहुत ही इजी बन जाता है, तकरीबन 10 मिनट में ये बन गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सर्दियों में तो ये वैसे ही सबको पसंद होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरा हौसला और बढ़ाएं, ताकि मैं और अच्छे अच्छे काम कर सकूं और अच्छे अच्छे खाने आपके लिए बना सकूं। और इसको शेयर भी करें वीडियो को, कमेंट भी करें प्लीज़, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिले, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो इंस्टा पे ज़रूर इसकी पिक्चर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।